मुख्तार अंसारी पर आज फैसला आने वाला था। आपको बता दें 2010 में करंडा में हमला किया गया था, सर मुख्तार अंसारी को बनाया गया था। आज कोर्ट में फैसला होने वाला था, परंतु कोर्ट फैसला न होकर यह 28 अगस्त को चला गया है। उस दिन मुख्तार अंसारी के भाग का फैसला होगा। मुख्तार अंसारी पर 2010 में जो गैंगस्टर का मुकदमा थाना करंडा में पंजीकृत हुआ था, उस पर आज फैसला आना था, परंतु गैंग चार्ट में जो मुकदमे उस समय दर्शाए गए थे, उस मुकदमे में जो गवाहों ने बयान दिए थे, उन बयानों को इस पत्रावली में शामिल करने के लिए मैंने एक दरखास्त दिया था कि इनकी नकल लेकर के मुझे दाखिल करना है, तो माननीय न्यायालय ने उसे स्वीकृत करते हुए 28 अगस्त की डेट लगाई है। उस तारीख को मुझे वो पेपर दाखिल करना है। क्या उस डेट में कोई फैसला आने की उम्मीद है? नहीं, उस डेट पर अभी पेपर में दाखिल करूंगा, उसके बाद कोर्ट आगे की कार्रवाई करेगी। सर, क्या मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? जी हाँ, मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बैकग्राउंड बता दीजिए, क्या केस था उसके बारे में, कौन कौन से दो मुकदमे थे जिनको लेकर इनको आधार बना के गैंगस्टर लगाया था, उसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड। करंडा के में एक कपिल देव सिंह की हत्या हुई थी, एक उसका 302 का मुकदमा था, और मोहम्मदाबाद में मीर हसन के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, इस इन दो मुकदमे को आधार बना करके ये गैंगस्टर लगाया। आप लोग की ओर से कितने कुल गवाह पेश किए गए कोर्ट में, कितने गवाहों को पेश किया गया था आज? तो उसके लिए जजमेंट पहले भी